हेलो स्टूडेंट्स नीट 2020 के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको यहां पर रैपिड रिवीजन करवाया जा रहा है उसी लिस्ट में उसी कड़ी में हम जो सबसे पहला टॉपिक यहां डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शंस चलिए जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो सेल ही परफॉर्म करती हैं तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है जब हम एक सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल की स्ट्रक्चर की बात करें हम तो सेल की स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर को बाहर से अंदर की तरफ अगर स्टडी करते हैं सेल में तो आउटर मोस्ट हमें सबसे पहले मिलती है सेल्स की कवरिंग आउटर मोस्ट कवरिंग्स जो जनरलाइज हम पढ़ते हैं सेल्स के अंदर वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अब उसमें जो पहली लेयर है आउटर मोस्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल वॉल देखिए सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ इसका मतलब जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है कहां कहां प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है फंजाई में प्रेजेंट है एलगी में प्रेजेंट है और प्लांट्स में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या सभी सेल्स में सेल वॉल होती है तो इसका आंसर है नहीं सेल वॉल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में प्रेजेंट नहीं है कहां कहां प्रेजेंट है वो हम बता चुके हैं फिर बात आती है कि जब सेलवॉल है तो सेलवाल का, का काम क्या है आउटर मोस्ट लेयर है तो क्या कर रही है वहां पर तो हम बताते हैं कि ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है रिजिड रिजिड है rigid है तो क्या करेगी प्रोटेक्शन देगी और परमिएबल बाउंड्री है परमिएबल स्ट्रक्चर है मतलब सेल के अंदर कौन से मेटेरियल आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं इसके लिए जो सेल वॉल है वो कभी भी रिजिस्ट नहीं करती चीजों को कोई भी आए कोई भी जाए ये मना नहीं करेगी तो आउटर मोस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है नॉन लिविंग है रिजिड है और बाउंड्री है देखिए जब हम सेलवॉल के बारे में बात करते हैं तो सेलवॉल मिलती तो हमें बहुत सारे लिविंग के अंदर है लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हम यहां प्लांट सेल के बारे में प्लांट सेल के बारे में डिटेलिंग करने वाले हैं जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट्स हमारे पास पांच टाइप के एलगी टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम्प एंड एनजियप अब एलगी से लेकर एनजियोस्प तक सभी टाइप के प्लांट्स के सेल्स में सेलवॉल प्रेजेंट है

कार्बोनेट मिलते हैं लेकिन एलगी के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजियो इनकी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ आपको एंड मिलते हैं इसका मतलब सेल वॉल सभी प्लांट्स में है लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म दूसरी बात है जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर है तो मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल्स एक से ज्यादा प्रेजेंट हैं उन सेल्स को आपस में करना पड़ता है इंट्रेक्शन अब जब दो सेल्स आपस में इंट्रैक्शन करेंगी तो उसके लिए जरूरी पहले ये हो जाता है कि वो सेल्स आपस में जुड़ी हुई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स में सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और उनकी सेल वॉल जिस पॉइंट पर जहां पर आपस में जुड़ती हैं वहां हमें एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है उनको जोड़ने के लिए जिसे हम नाम देते हैं मिडल लेमिला और मिडल लेमिला का केमिकल कंपोजिशन क्या है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट दो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को हम प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट में जो ज्यादा अमाउंट में हमें मिलने वाला है केमिकल मिडल लेमिला के अंदर वो मिलने वाला है कौन कैल्शियम पैक्टेट तो मेनली यहां मिडल लेमिला में कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट है फिर बात आती है मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स हैं उनमें प्लांट सेल्स को आपस में इंट्रैक्शन करना पड़ता है तो इंट्रैक्शन के लिए उनके साइटोप्लाज्म के बीच में मटीरियल्स का एक्सचेंज होना चाहिए और मटीरियल्स के एक्सचेंज के लिए उन प्लांट्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको मिलती है सेल्स के अंदर जिसे आप नाम देते हैं प्लाज्मो डेसमेटा ये दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां दो सेल है प्लांट सेल सेल ए एंड सेल बी यहां पर ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो यहां ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देंगे प्लाज्मो डेमेटा ये इस प्लाज्मो से दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में करते हैं जिससे वो अपने मेटेरियल को एक्सचेंज करेंगे इस सेल से इस सेल से से में और इस सेल से इस सेल में मेटीरियल्स को एक्सचेंज किया जा सकता है फिर बात आती है कि जो प्लाज्मो डेस्मेटा है ये कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स का दो नेबरिंग सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं और साथ में जो प्लाज्मो डेस्मेटा है वो

हम जैसे सेल के अंदर सेल वॉल से अंदर की तरफ आए तो हमें नेक्स्ट बाउंड्री मिलती है सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं सेल वॉल को हमने नॉन लिविंग बताया लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा एक लिविंग स्ट्रक्चर है और अनएक्सेप्शनली ये हर किसी लिविंग सेल में प्रेजेंट है जैसे हमने बोला सेल वॉल हर किसी में प्रेजेंट नहीं है लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी कवरिंग है एक ऐसा एनवल्व है जो हर किसी लिविंग सेल में प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब बात आती है तो हम बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है जिसमें प्रोटीन्स आपको मिलते हैं फिफ्टी टू परसेंट एंड लिपिड्स आपको मिलते हैं फोर्टी परसेंट और रिमेनिंग पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन हमारे सिलेबस बुक में लिखा गया है लेकिन ये चीजें सेल टू सेल वेरी करती है केमिकल कंपोजिशन सेल टू सेल वेरी भी कर सकता है ये केमिकल कंपोजिशन जो आपको लिख कर दिया गया है सिलेबस बुक में वो लिख कर दिया गया आरबीसी का ह्यूमन आरबीसी का लेकिन अगर सेल चेंज हो रही है तो कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल है तो उसमें यह केमिकल कंपोजिशन चेंज भी हो सकता है यह रेशो चेंज हो सकता है दूसरी बात अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चरल जो केमिकल है वो है फॉस्फोग्लिसराइड जिसे हम दूसरे शब्दों में फॉस्फोलिपिड के नाम से भी जानते हैं फॉस्फोलिपिड जो है फॉस्फोलिपिड में हमें स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर दो पार्ट पढ़ने हैं एक हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट हेड पार्ट एंड टेल पार्ट फिर हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जिसके कि दो स्ट्रक्चरल पार्ट है हेड हेड एंड एंड टेल टेल इज इज हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इसके दो दो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं दो दो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं आपस में इनके आपस में टेल पार्ट जुड़े हुए हैं और हेड पार्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ है इसीलिए हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने के लिए और बाई क्यों बोल रहे हैं क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड के यहां पर अरेज हैं और आपको मैं बता दूं फॉस्फोलिपिड की वजह से जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्लूड नेचर की हैं फ्लूड इसलिए क्योंकि आप बायोमोलिकल में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बेसिस पर हम फ्लूडिटी मेंटेन करते हैं तो बताइए कि मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन करने वाले लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें सेचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों तरह के फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए मेम्ब्रेन फ्लूड नेचर है लेकिन दोनों टाइप के फैटी एसिड होने की वजह से हम इसे बताते हैं क्वासी फ्लूड या सेमी फ्लूड नेचर

फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से प्लाज्मा लेमा से अलग कर पा रहे हैं उसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन्स हैं फर्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर दसे हुए हैं देखिए जो लिपिड बाई लेयर के अंदर फंसे हुए होंगे उन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन से सेपरेट करना इतना आसान नहीं है इंटीग्रल प्रोटीन टाइटली बाउंडेड रहते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर के साथ और दूसरे प्रोटीन्स हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स एक्सटेंसिंग प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन की सरफेस पर होते हैं और इन्हें बड़ी आसानी से वहां से अलग किया जा सकता है दूसरी चीज मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूड नेचर की है सेमी फ्लूड नेचर की है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की वजह से तो इस सेमी फ्लूड होने का इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगा तो हम बताते हैं यस सेमी फ्लूड नेचर या क्वासी फ्लूड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो बहुत सारे मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में हमें हेल्प करते हैं सेल की फंक्शनिंग में हमें हेल्प करते हैं जैसे हम बताते हैं कि क्वासी फ्लूड नेचर या सेमी फ्लूड नेचर जो है वो सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है ताकि सेल इजिली एक्सपेंड कर सके अगर वो ग्रोथ करना चाह रही है दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में हमें हेल्प करते हैं मतलब दो लिविंग एनिमल सेल्स को या दो सेल्स को आपस में इंटरेक्ट कर इंट्रैक्शन करना है तो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से बड़े आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी मटेरियल अगर सिक्रीट करना है सेल के बाहर भेजना है तो वो भी मेम्ब्रेन से जाएगा एंडोसाइटोसिस अगर किसी सेल के अंदर कोई मेटेरियल बाहर से हमें लेकर आना है तो वो भी मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा और अगर कोई सेल डिवीजन करती है तो डिवीजन में भी ये हेल्प करेगा तो कॉसी फ्लू और सेमी फ्लूड नेचर इज हेल्पफुल फॉर द सेल ग्रोथ सेलुलर इंट्रेक्शन सेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करना एंडोसाइटोसिस सेक्रेशन एंड सेल डिवीजन में हेल्प करती है नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में तो ये हमारे पास एक सेल है कंप्लीट सबसे बार बाउंड्री सेल वॉल उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म जब बात आती है बच्चे साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम कहते हैं कि सेल में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज सेल के साइटोप्लाज्म में चलती हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और हमारे सिलेबस बुक में लिखा भी हुआ है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स में सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत तरह के अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स मिलती हैं मेम्ब्रेन बाउंड मेमरेन लेस जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं उन्हीं ऑर्गेनल्स के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसी लिस्ट में जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह फैली हुई है मेम्ब्रेन बाउंड है और जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो टाइप की है फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ आरई आर स्मूथ एसईआर हम ऐसे जानते हैं एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड लिपिड सिंथेसिस का ये मेन साइट है सेल के अंदर कौन स्मूथ ई आर है स्मूथ ईआर ER में

ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है उसे हम नाम देंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म इसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गल है उसका नाम है गोल्जी अपरेटस देखिए गोल्जी अपरेटस का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है इसका मतलब इनका जो मेन स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो दोनों का सेम है जैसे हम सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं गोल्जी अपरेटस का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती हैं और वो लिपिड्स और प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी को प्रोवाइड करवाया जाता है गोल्जी बॉडी उन्हें लेता है और उन्हें करता है मॉडिफाई और मॉडिफाई करने के बाद उन्हें लिपिड्स और प्रोटीन से वो बना देता है ग्लाइको लिपिट्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स तो हम कह रहे हैं गोल्जी बॉडी इज द इंपॉर्टेंट साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड के फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन के नाम से जानते हैं और इनको बनाने के बाद ये क्या करते हैं इनको पैक करते हैं स्मॉल वेसाइकल्स में और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल सेल के बाहर सीक्रेट करते हैं तो गोल्जी बॉडी का दूसरा फंक्शन हो गया पहला मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय बाई दर और दूसरा फंक्शन हो गया पैकेजिंग ऑफ द मेटीरियल एंड सिक्रीशन ऑफ द मेटीरियल्स नेक्स्ट जो हम सेल ऑर्मल की बात कर रहे हैं वो है लाइसोसोम लाइसोसोम स्मॉल वेसाइकल स्ट्रक्चर्स हैं और ये स्मॉल वेसाइकल्स मेम्रेन बाउंड जो बनी है इनका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी ही करता है ईआर ER ने प्रोटीन बनाए गोल्जी बॉडी को दिए गोल्जी बॉडी ने उन प्रोटीन को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन किया हाइड्रोलाइटिक हाइड्रो हाइड्रोमींस वाटर लाइसिस मीनस ब्रेकडाउन मतलब ऐसे एंजाइम्स जो वाटर की प्रेजेंस में मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन शॉर्ट हम इसे एक क्लास में रखते हैं हाइड्रोलाइजिस क्लास जब एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाए गोल्जी बॉडी ने और बनाकर एक स्मॉल वेसाइकल में पैक किए और उस वैसाइकल का नाम क्या है लाइसोसोम और लाइसोसोम में ये काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलाइजेस कहते हैं ये डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं जैसे लिपिड को कर रहे हैं तो लाइपिजेस हो जाएंगे प्रोटीन को कर रहे हैं प्रोटीजेज हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट को कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेजेस हो जाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में प्रेजेंट हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं और वो पीएच एसिडिक पीएच है अगर पूछा जाए कि लाइसोसोम के एंजाइम ऑप्टिमली मैक्सिमम किस पे काम करते हैं तो हम बताते हैं वो मैक्सिमम अच्छे से काम करते हैं पीएच फाइव पर और फाइव सेवन से कम है तो ये पीएच कैसी पीएच है एसिडिक पी और एसिडिक पीएच पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स

जो भी मेटीरियल्स जो सेल के साइटोप्लाज्म में यूजफुल नहीं है इस टाइम पे उस सेल के किसी भी काम के नहीं है चाहे वो वेस्ट है या फिर अनयूजफुल मेटीरियल है वो सारा का सारा मेटेरियल वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है क्योंकि एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करती है इसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं उन सब की कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज्यादा रखी जाती है ताकि जब जरूरत पड़े तो दोबारा यहां से लिया जा सके तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन द प्लांट सेल फंक्शन लाइक एज ए स्टोरेज ऑर्गन इसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है mitochondria. Mitochondria को का कहा जाता है. क्यों कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम दे रहे हैं एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि इसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करवाना कौन से प्रोसेस से रेस्पिरेशन प्रोसेस से और रेस्पिरेशन में भी कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन

कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है नंबर है जो शेप है वो डिफरेंट सेल्स में सेलरी कर सकता है मतलब वेरिएबल है शेप भी साइज भी और नंबर भी देखिए साइज और शेप ये इसलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके पास खुद का अपना जेनेटिक मेटीरियल प्रेजेंट होता है डीएनए अपना खुद का जेनेटिक मेटीरियल होने की वजह से ही अपनी शेप को अपने साइज को चेंज कर सकते हैं दूसरी बात है कि नंबर नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में है वो सेल के मेटाबॉलिज्म या उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं जितना ज्यादा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी फिजियोलॉजिकली ज्यादा काम करेगी उतनी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट मेटाबॉलिज्म में ज्यादा पड़ेगी और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी उसमें ज्यादा होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का जो बात करें हम मेम्ब्रेन की तो हम बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसमें दो मेम्ब्रेन होती है एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स का फॉर्मेशन करती है और उन इनफोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टी और मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा हुआ है। उस में क्या है और साथ में कुछ आरएनए भी प्रेजेंट है देखिए डीएनए आ गया है, है इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है और प्रोटीन ही आगे चलकर एंजाइम बनाते हैं एंजाइम खुद बना सकता है बिल्कुल बना सकता है लेकिन हमें यहां ये इस बात को भी समझना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड हैं वो सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया खुद नहीं बना सकता वो कुछ एंजाइम्स के लिए न्यूक्लियर डीएनए पर भी डिपेंड करता है न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल न्यूक्लियर डीएनए पर भी डिपेंड करता है इसलिए हम इसे एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गनल कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गनल कहने का मतलब हो ये होगा कि यह अपने सारे काम खुद नहीं कर पाता कर पाता तो यह ऑटोनोमस होता लेकिन हमें पता है कि कुछ एंजाइम्स के लिए कुछ फंक्शंस के लिए न्यूक्लियर डीएनए पर भी डिपेंड करता है नेक्स्ट जो हम इसी कड़ी में सेल ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसमें भी दो मेम्ब्रेन है वन इज आउटर मेम्ब्रेन सेकंड इज इनर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट लेकिन क्या क्लोरोप्लास्ट सभी सेल्स में प्रेजेंट है तो नहीं क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस तो से क्या बनाते हैं फूड और फूड बनाते तो इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक प्रेजेंट है लाइक एज प्लांट्स प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है क्या सभी ऑर्गेन फोटोसिंथेसिस करते हैं नहीं करते है. क्या सभी सेल्स में माइटो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है बिल्कुल है सभी यूक्रोट्स में जिनमें सेल ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन क्लोरोप्लास्ट सब में नहीं है लेकिन दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है आउटर मेम्ब्रेन इनकी ज्यादा परमिएबल होती है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोरिन प्रोटीन दूसरी बात क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें क्लोरोप्लास्ट का भी साइज याद रखना पड़ेगा फाइव टू टेन माइक्रोन एम और विड्थ इसकी कितनी है टू टू फोर माइक्रोन एम ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड है इनकी आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा है इसमें एंजाइम कार्बोहाइड्रेट सिंथेस के मीनो सिंथेसिस के, के और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस के उसका कारण क्लोरोप्लास्ट के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना ही खुद का सर्कुलर डीएनए राइबोसोम और आर एन प्रेजेंट है इसका मतलब यह भी अपने एंजाइम खुद बनाता है बिल्कुल बनाता है सारे बनाता है नहीं बनाता ये भी कुछ एंजाइम्स के लिए कुछ फंक्शंस के लिए डिपेंड करता है किस पर न्यूक्लियर डीएनए पर मींस क्लोरोप्लास्ट भी माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है इसी कड़ी में जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करने जा रहे हैं वो है पारोक्सिसम देखिए सेल के साइटोप्लाजम में स्मॉल वैसाइकल्स माइन्यूट वैसाइकल्स मेमब्रेन बाउंड प्रेजेंट होती हैं जो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं उन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोबॉडीज माइक्रोबॉडीज एक से ज्यादा टाइप की आपको सेल्स में मिल सकती हैं लेकिन जो कॉमनली हम डिस्कस करते हैं जिसके बारे में हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरोक्सिम उसका कारण है पैरोक्सॉम एक ऐसी माइक्रो बॉडी है जो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही मिलती है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी देखिए इसका जो मेन फंक्शन हमें याद करना है वो हमें याद करना है कि एस टू हाइड्रोजन पर का मेटाबॉलिज्म करवाती हैं ब्रेकडाउन करवाती हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालेस दूसरा ये प्लांट्स में जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनमें एक प्रोसेस चलता है जब आप फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ प्लांट्स में एक प्रोसेस चलता है फोटो रेस्पिरेशन या जिसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल उसमें भी पारोक्सिसम हेल्प करता है हेल्प करता है क्योंकि यह अकेला परफॉर्म नहीं कर पाता पारोक्सिसम ग्लाइकोलेट साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है दो और एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल के साथ जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि पैरोक्सिसम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का मतलब है कि फैट का ब्रेक डाउन करते हैं अगर जनरल बात आ जाए कि बीटा ऑक्सीडेशन कौन करता है तो लेकिन अगर बात आ जाए जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में डिग्रेशन कौन कर रहा है फैट्स का तो आंसर आएगा ग्लाइक्सीम जो कि एक दूसरे टाइप की आपके पास माइक्रो बॉडी है लेकिन ये कॉमन प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है वो है इसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माइक्रोटिब्यूल्स और माइक्रो की देखिए माइक्रोटिब्यूल्स और माइक्रो एक सेल के साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट हैं वो उसके साइटोस्केलेटन से कंसर्न है उनका स्केलेटन जैसे मेरे शरीर के अंदर हड्डियां प्रेजेंट है उन बोन से मेरी बॉडी का स्केलेटन बना है ऐसे ही सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए उसके साइज को मेंटेन करने के लिए उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन से बने हुए छोटे छोटे माइक्रोटिब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कि हम कलेक्टिवली नाम देते हैं साइटोस्केलेटन माइक्रोटिब्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में होलो स्ट्रक्चर है टिब्यूल्स हैं और किसके बने हुए प्रोटीन मोनोमर्स के बने हुए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रोटीन से बनते हैं और उस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन और ट्यूबिलीन प्रोटीन भी आपको यहां पर दो तरह की याद रखनी है मतलब टू टाइप ऑफ मोनोमर से बनते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स एल्फा टिबिलीन एंड बीटा ट्यूबिल दूसरी बात इनका साइज आपको याद करना है ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर की जब बात आती है तो आप बताइए कि माइक्रोफिलामेंट माइक्रो की तरह टू टाइप के मोनोमर से नहीं सिंगल टाइप के मोनोमर से बने हुए हैं और उस सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर को हम नाम देते हैं एक्टिन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से बने हुए इन माइक्रोफिलामेंट्स का आपको साइज भी याद करना है एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सिक्स टू सेवन नैनोमीटर और ये साइटोस्कैलन का फॉर्मेशन करते हैं इसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट सेल ऑर्गनल हम जो बात करने वाले हैं वो है सीलिया एंड फ्लैजेला ये किसी भी सेल पर हेयर लाइक आउटर ग्रोथ होती हैं जो कि सेल के लोकोमोशन में अटैचमेंट में हेल्प करती हैं अगर सेल पर आउटर ग्रोथ लंबी लॉन्ग हेयर है तो फ्लैजेला है और अगर शॉर्ट हेयर है तो सीलिया है लेकिन दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है तो एक ही डायग्राम से हमारा काम हो जाता है जब आप बात करते हैं सीलिया या फ्लेजिला की तो हम बताते हैं इन माइक्रोटिब्यूल के हम बताते हैं कि अरेंजमेंट होता है नाइन प्लस टू से यहां पर आपको ध्यान देना है कि नौ तो आपको मिलते हैं डबलेट बाहर की तरफ पैरी फैरी पर और दो आपको सेंटर में सिंगलेट मिलते हैं अगर आप इस फिगर को देखें ध्यान से तो आपको यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दो दो मतलब पेयर में नाइन पेयर मिल रहे हैं आपको इसलिए आप इसको नाम दे रहे हैं डबलट तो नाइन डबलेट पेरीफेरी पर और दो सेंट्रल टिब्यूल जिन्हें हम नाम दे रहे हैं सिंगलेट इसलिए हम अरेंजमेंट बताते हैं नाइन प्लस टू का जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं फ्लेजला और सीलिया लोकोमोशन के साथ साथ सेल को एडिशनल फंक्शंस कहीं किसी सरफेस पर चिपकाने से या किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा इसी लिस्ट में जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट सेल ऑर्गनल है राइबोसोम देखिए अभी तक हम जो भी सेल ऑर्गनल की बात कर रहे थे ER, लेकिन आप याद रखिए राइबोसोम एकस सेल ऑर्गनल है जो कि सेल के में प्रेजेंट है और डायरेक्टली रिलेटेड है किससे प्रोटीन सिंथेसिस कहा था आरईआर की सर्फेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है तो राइबोसोम्स फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे जॉर्ज पेलाडे ने इसलिए राइबोसोम्स को पेलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है अगर कभी पूछ ले जाए पेलाडे पार्टिकल्स क्या हैं तो राइबोसोम है काम क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं कितने टाइप के हैं दो टाइप के हैं टी एस एटीएस सेवनटीएस को हम प्रोकेरटिक राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं और एटीएस को यू के राइबोसोम के नाम से देखिए राइबोसोम सेवनटीएस टाइप के प्रोकेटिक सेल के साइटोप्लाजम में तो मिलते ही है साथ ही साथ

एस इसके साइज और डेंसिटी को क्लियर करती है देखिए तो 80 बड़ा है इसका मतलब यू केरोटिक राइबोसोम राइबोसोम के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सेवनटी एस है तो अगर पूछा जाए कि भाई साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बड़े हैं या ऑर्गनल वाले राइबोसोम बड़े हैं तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स बड़े हैं क्योंकि वह एटीएस टाइप के हैं बना किसके है राइबोसोम तो बताइए आरएनए और प्रोटीन का मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है राइबोसोम का वो आर एंड प्रोटीन है फंक्शन क्या है प्रोटीन सिंथेसिस कहां प्रेजेंट है हर टाइप की सेल में चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो वहां राइबोसोम आपको मिलेगा बस साइज और और डेंसिटी का फर्क होगा जो कि 70S और 80S से हम समझ चुके हैं नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस देखिए अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्ग्न पढ़े ई आर से लेकर अभी राइबोसोम तक लेस या मेम्ब्रेन बाउंड सब पर कंट्रोल किसका है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था

न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डेंस स्ट्रक्चर और मिलती है जिसे आप न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं और न्यूक्लियोलस आर के सिंथेसिस की एक्टिव साइट है मतलब एक एक्टिवली इन्वॉल्व है न्यूक्लियोलस में आर सिंथेसिस और सेल के सेल के सभी एक्टिवलीस पर कंट्रोल किसका है न्यूक्लियस का सेल का डीएनए कहां प्रेजेंट है न्यूक्लियस में किस फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में क्रोमेटिन फाइबर लंबे और पतले थ्रेड हैं डीएनए के जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स के नाम से जानते हैं नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं

तो इंटरफेस के बाद जब सेल एम फेज में आती है डिवीजन के लिए तो एक क्रोमेटिन फाइबर के अंदर डीएनए कितने हो गए थे दो फाइबर एक क्रोमेटिन फाइबर एक डीएनए कितने दो अब इन दोनों डीएनए को तो हमें क्या करना होता है एक दूसरे से अलग करना होता है यह काम कब होता है डिवीजन के टाइम पे तो डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन फाइबर में जो डीएनए प्रेजेंट है उनको अलग करने के लिए क्रोमेटिन फाइबर जो कि लंबा और पतला थ्रेड है उसे कंडेंस किया जाता है और छोटा और मोटा बनाया जाता है जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है और छोटा और मोटा हो जाता है तो बनने वाले क्रोमोसोम क्रोमोसोम कब बने डिवीजन के टाइम पे डिवीजन कब हुआ एस फेज के बाद अब एस फेज के बाद हुआ तो क्रोमोसोम में डीएनए कितने मिलेंगे दो डीएनए इसका मतलब इस क्रोमोसोम में कितने डीएनए हैं दो डीएनए हैं दिख भी रहे हैं हमें डायग्राम के अंदर तो ये जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं छोटा और मोटा थ्रेड जो कि हमें डिवीजन के टाइम पे मिलता है तो इसमें हम देखेंगे कि हमें दो डीएनए मिल रहे हैं और कुछ जगहों पर ये क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट होते हैं दबे हुए होते हैं इस कंस्ट्रिक्ट पार्ट को कंस्ट्रिक्शन को हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर देखिए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर पर हमें दो प्रोटीन डिस्क भी मिलती है और इन प्रोटीन डिस्क को हम किस नाम से जानते हैं काइनेटोकोर के नाम से देखिए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर जहां पर दो प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट हैं तो हमें यह बात का है कि डिवीजन के टाइम पे जब ये दोनों क्रोमोसोम के दोनों एक क्रोमोसोम के दोनों डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो सेल में उन्हें अपोजिट पॉल्स पर ले जाना होता है जब आप इन डीएनए को जो कि क्रोमोसोम के दो डीएनए थे ऑपोजिट पॉल पर लेके जाएंगे तो यह काम डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर करवाते हैं और स्पिंडल फाइबर इन डीएनए को तभी लेकर जाएंगे जब वो इनके साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए जो साइट है उस साइट का नाम है काइनेटोकोर मतलब सेंट्रोमियर पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं डिवीजन के टाइम पे लेकिन रियल में वो जुड़ते किसके साथ हैं काइनेटोकोर के साथ और फिर स्पिंडल फाइबर से अपोजिट पॉल पर ले जाते हैं साथ ही आप याद रखिए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हर किसी क्रोमोसोम में होगा जो कि सेंट्रोमियर है हर किसी क्रोमोसोम में होगा लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं मैं बार बार ध्यान दिलवा रहा हूं

साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम के जो एंड है यह भी क्रोमोसोम का एंड है यह भी क्रोमोसोम का एंड है क्रोमोसोम के जो एंड है उन्हें हम नाम देते हैं टीलोमियर्स टीलोमियर्स क्रोमोसोमल एंड है जब आप एक टीलोमियर की बात करते हैं देखिए जनरली हम जब बात करेंगे डीएनए के बारे में तो हम बताते हैं कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं दो पॉली न्यूक्लोटाइड चेन है जो कि आपस में जुड़ी रहती है लेकिन टीलोमियर पर जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि क्रोमोसोम के टीलोमीयर पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसका मतलब एक ही चेन है तो आप बताइए क्रोमोसोम के नॉन स्टिकी पॉलर एंड है। मतलब चिपकने से रोकते हैं एक क्रोमोसोम का एंड कभी भी दूसरे क्रोमोसोम के एंड से नहीं जुड़ता उसका कारण यहां की बेस सीक्वेंस है जो कि स्पेसिफिक प्रेजेंट है फाइव डैश टू थर्ड डैश टी टी ए जी 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 देखिए इस सीक्वेंस की वजह से क्रोमोसोम के एंड नॉन स्टिकी हो जाते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं एक क्रोमोसोम उसका फिफ्थ टू थर्ड जो सीक्वेंस है बेस सीक्वेंस वो है टी टी ए जी जी और जी वहीं एक कोई दूसरा क्रोमोसोम है उसकी भी बेस सीक्वेंस फाइव डैश टू थर्ड डैश क्या है टी टी ए जी जी और जी और हमने ऐसा पढ़ा है हम रिकॉल करेंगे तो बात हमें याद आएगी कि डीएनए में एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाईमीन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ता है बिल्कुल लेकिन देखिए दो अलग अलग क्रोमोसोम के दो अलग अलग एंड हैं दो टीलोमियर हैं उन पर बेस सीक्वेंस फिक्स है तो आप देखेंगे कि टी के सामने टी, टी आएगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी ए के सामने ए आएगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी जी के सामने जी आएगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी इसका मतलब बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये आपस में कभी जुड़ेंगे ही नहीं तो टीलोमियस पर ये बेस सीक्वेंस इसके नॉन स्टिक एंड को मेंटेन करता है साथ ही आप ये भी याद रखिए कि टीलोमियर का जो सिंथेसिस है जो एंड का सिंथेसिस क्रोमोसोम का जो एंड है टीलोमियर उसका सिंथेसिस एक स्पेशल एंजाइम करता है और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं टीलोमीरेज एंजाइम और अगर देखा जाए केमिकली टीलोमिरेज एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर का फॉर्मेशन करते हैं फिर टीलोमियर की जब बात आती है तो आप बताइए कि क्रोमोसोम का टीलोम सेल के एजिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती है सेल की फंक्शनिंग रिड्यूस होती जाती है कम होती जाती है क्यों कम हो रही है क्योंकि क्रोमोसोम के जो एंड है वो एज बढ़ने के साथ साथ डैमेज होते जा रहे हैं रिड्यूस होते जा रहे हैं मीनस डीएनए की अमाउंट उस क्रोमोसोम में कम होती जा रही है डीएनए कम होता जाएगा तो सेल पर कंट्रोल कम होता जाएगा सेल पर कंट्रोल कम है तो मेटाबॉलिज्म कम है मेटाबॉलिज्म कम है तो हम बताते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से सेल एजिंग शो करती है तो हमारा आंसर होगा टीलो इसी कड़ी में आगे जब हम चलते हैं तो क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं अभी अभी मैंने क्लियर किया आपको कि क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे देखते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे एस फेज में जब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है तो डीएनए कितने हो जाते हैं क्रोमोसोम में दो डीएनए हो जाते हैं और उन्हीं दोनों डीएनए के अकॉर्डिंग हमने क्रोमोसोम की अभी स्ट्रक्चर पढ़ी लेकिन डिवीजन के टाइम पे जब आप रिकॉल करेंगे जब आप पढ़ेंगे आप पाएंगे प्रोफेज और मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में दो डीएनए होते हैं लेकिन एनाफेज में जाने के बाद जो प्राइमरी जो सेंट्रोमियर है है वो हो जाता है, और दोनों को दोनों डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एक क्रोमोसोम में दो डीएनए है दो तो क्रोमोसोम के उस एक डीएनए का नाम क्रोमेटेड है इसका मतलब यह जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसमें आपको दिखेगा कि दो डीएनए प्रेजेंट है एक क्रोमोजोम में इसलिए इस क्रोमोजोम को मैं नाम दे रहा हूं डबल क्रोमेटेड क्रोमोजोम कब दिखते हैं प्रोफेज और मेटाफेज के टाइम पे लेकिन जब आप एनाफेज में जाते हैं तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है स्प्लिट हो जाता है स्प्लिट हो गया तो दोनों के दोनों क्रोमेटेड अलग हो गए तो इसका मतलब एनाफेज में आपको जो क्रोमोसोम दिखेगा वो दिखेगा सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम क्यों क्योंकि सेंट्रोमियर से अलग हो चुके हैं दूसरी बात जो यहां समझनी है आपको वो ये समझनी है कि जो ये सेंटर में डॉट दिख रहा है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जिसे आप सेंट्रोमियर कहते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर हमारे पास यहां फोर टाइप के क्रोमोसोम्स हैं देखिए अगर किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल क्रोमोसोम के सेंटर में है तो दोनों तरफ की जो आर्म्स हैं इनकी लेंथ इक्वल आएगी और ऐसे क्रोमोजोम को हम मेटा क्रोमोसोम कहेंगे और अगर सेंट्रोमियर की ये पोजीशन सेंटर से स्लाइटली हटकर है थोड़ा सा हटकर है मतलब एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है सेंटर से थोड़ा लेफ्ट राइट है तो एक आर्म शॉर्ट और एक आर्म लॉन्ग बनेगी ऐसे क्रोमोसोम को हम सब मेटा सेंट्रिक कहेंगे लेकिन साथ ही साथ अगर किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजिशन टीलोमियर के आसपास है के आसपास एंड के आसपास है तो इस क्रोमोसोम में एक आम एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक आम एक्सट्रीमली लॉन्ग मिलेगी और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक लेकिन अगर सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की पोजीशन बिल्कुल टीलोमियर पर है एंड पर है तो हम इसे बोलेंगे टीलो क्रोमोसोम देखिए ये बात आप समझिए कि जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और लेट एनाफेज के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमेटिड्स को दोनों डीएनएस को अपोजिट पॉल्स की तरफ लेकर जाते हैं तो सेल में इस क्रोमोसोमल मूवमेंट के टाइम पे सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है देखिए यह काइनेटोकोर है इस पर स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा जब इसको खींचेगा तो इसकी शेप ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो कैसी दिखाई दे रही है वी शेप लेकिन अगर क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होगा तो वो हमें दिखाई देगा जे शेप में या एल शेप में और एल शेप पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है मैच द कॉलम में आया था और एल शेप क्रोमोसोम के सामने एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम था सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम था वहीं आपको यह भी समझना है कि जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं लेट एनाफेज में आई शेप के और जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो हमें रोड शेप दिखाई देते हैं तो बेसिस ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर देर आर फोर टाइप ऑफ क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक और ये शेप वी जे एल आई या शेप कब दिखाई देती है लेट एनाफेज के टाइम पे जब स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ लेकर जाते हैं यह बात जनरलाइज थी लेकिन अब आपको जो मैं बात बताने वाला हूं यह क्रोमोसोम के लिए जो बात हम बोलने वाले हैं यह सभी ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल नहीं है अभी तक जो बातें हमने क्रोमोसोम के बारे में की वो जनरल बात थी क्रोमोसोम की लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है इसलिए हम इनको डिस्कस भी करने जा रहे हैं और आपको इनको अच्छे से पढ़ना भी पहला इने हम सेलेवरी भी कहा जाते हैं ये हमें इंसेक्ट्लैंड में डीएनए तो की बहुत सारी कॉपीज जब हो जाए रेप्लीकेशन जब हो जाए तो पॉलिटीनी क्रोमोसोम्स बनते हैं, हैं इंसेक्ट के जैसे आपने कहा एस फेज में डीएनए एक क्रोमेटीन फाइबर में एक होता है लेकिन एस फेज में यह डीएनए कितने हो जाते हैं रेप्लीकेशन की वजह से दो हो जाते हैं लेकिन एस फेज में अगर ये डीएनए एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार बार क्या कर रहा है रेप्लीकेट कर रहा है लेकिन वो डीएनए उस क्रोमोसोम में से अलग नहीं हो पाए तो बताइए एक क्रोमेटिन में एक क्रोमोसोम में डीएनए बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे क्रोमोसोम्स को हम पॉलिटीनी क्रोमोसोम्स कहते हैं और जनरलाइज अगर हम देखें बात तो एक्सेप्शनली हमें ये कहां मिलते हैं सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट्स में फिर आपको ये भी समझना है कि जब आप एक सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स की बात करते हैं पॉलिटीनी की बात करते हैं तो इस क्रोमोसोम में आपको कई जगह पर क्रोमोसोम कुछ फूले हुए दिखाई देते हैं इस फूले हुए पार्ट को हम नाम देते हैं पफ या फिर नाम देते हैं बाल बयानी रिंग्स ये पफ्स या बाल बियानी रिंग्स जो कि किसमें है पॉलिटीनी क्रोमोसोम्स में इनका काम है आर और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना देखिए सेलेवरी सेलेवरिकलैंड क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हैं इंसेक्ट्स में इंसेक्ट के लार्वा में तो इनका काम क्या है काम होगा तभी तो बने हैं स्पेशल टाइप के तो आप बताइए इनका कंसर्न किसके साथ है इंसेक्ट के लार्वा में मेटामॉर्फोसिस से और मॉल्टिंग प्रोसेस से इंसेक्ट आप पढ़ लेंगे जब आप एनिमल्स के बारे में बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा लार्वा स्टेज से जब एडल्ट की तरफ जाते हैं तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं अपनी बॉडी पार्ट को रिमेनिंग किसी भी एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट को जब कोई रिमूव करता है ऑर्गेनिज्म तो उसे हम मोल्टिंग कहते हैं तो मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं कौन पॉलिटिनिक क्रोमोसोम्स इन्हें सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है दूसरे जो हम क्रोमोसोम डिस्कस कर रहे हैं वो है लेम्प ब्रश क्रोमोसोम्स देखिए लैम्प ब्रश इनकी दिखने वाली शेप इनके स्ट्रक्चर की वजह से बोला जाता है ये लेम्प को साफ करने वाले ब्रश की तरह हमें दिखाई देते हैं इसलिए इनको लेम्प ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है लेम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहां मिलते हैं एम्फीबियंस में ऊ साइड के अंदर दिखाई देते हैं मतलब जो वर्टिब्रेट है, है उसमें आपको ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं डिप्लोटीन स्टेज में जब आपको ये क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे तो डिप्लोटीन के बारे में डिप्लोटीन में दिखाई दे रहे हैं डिप्लोटीन के बारे में मियोसिस में डिस्कस करेंगे इसलिए लैम्ब्रिस क्रोमोसोम्स को हम डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है दूसरी बात है ये कंसर्न किससे है वाइटेलोजेनेसिस से वाइटेलोजेनेसिस मींस मीन यॉक फॉर्मेशन जब एक्सेल डेवलप होती है तो योक फॉर्मेशन करती है तो यॉक फॉर्मेशन ऐसा आप जूलॉजी में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो यॉक फॉर्मेशन के लिए कंसर्न है किसका क्रोमोसोम का अगर काम पूछा जाए कि कहां काम आ रहे हैं तो वाइटेलोजेनेसिस में यॉक फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं कहां पर वर्टिब्रेट की ऊ साइड्स में वर्टिब्रेट्स में भी कौन एम्फीबियंस तो देखिए हम पूरी सेल के बारे में बात कर चुके हैं सेल स्ट्रक्चर सेल वॉल से लेकर हम क्रोमोसोम तक आए हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़े हैं पूरा कंप्लीट हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल सेल डिवीजन जब आप सेल डिवीजन की बात करते हैं अभी हमने पहले सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तो हमने ये बताया कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है कैसे उसमें ऑर्गेनल्स जो है वो काम कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की सेल रिप्रोडक्शन की कि सेल अपने नंबर कैसे इंक्रीज करती है देखिए जब भी किसी सेल को डिवीजन करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे उस डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है और प्रिपरेशन के लिए ये सेल डिवीजन एक चलने वाला प्रोसेस है पहले सेल प्रिपेयर करेगी फिर डिवीजन करेगी कंटिन्यूस चलता है ये प्रोसेस लेकिन फिर भी हमने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए इसे अलग अलग फेजेस और सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कैसे करती देखिए डिवीजन की जो फर्स्ट Preparing phase है, उसे हम नाम दे रहे हैं इंटरफेस इंटरफेस सेल डिवीजन की वो फेज है जिसमें cell अपने आप आप को के लिए prepare करेगी. और जब की की बात बात करते हैं, तो में में हम तीन करने वाले G1 phase में कोई भी सेल जब अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है तो अपने मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स को डबल करती है क्योंकि आप एक सेल से दो सेल बनाने जा रहे हैं तो एक सेल में जितने सेल ऑर्गनल है उतने ही हमें लमसम दूसरी सेल के अंदर भी चाहिए इसलिए हमें पहले सेल ऑर्गनल इंक्रीज करने तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गनल यहां डुप्लीकेट होते हैं साथ में सेल ऑर्गनल साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ करता है जीवन फेज में स्टार्टिंग में फिर उसके बाद जब आप जीवन फेज में आते हैं तो जीवन फेज में सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल जब डिवाइड नहीं करती है इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए डिवीजन नहीं कर रही है, तो डिवाइड नहीं करती है तो उसमें न्यूक्लियस होगा और अगर एक डिप्लॉइड सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है तो हम उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेल के लिए जो मानकर चलते हैं वो हम टू एन बोलते हैं डिप्लॉइड सेल के लिए और उन क्रोमोसोम्स में जो डीएनए की अमाउंट है उसे हम टू सी से डिनोट कर रहे हैं इसके बाद जैसे जीवन फेज कंप्लीट हो जाएगी सेल की तो सेल एंटर करेगी एस फेज में एस मीन सिंथेसिस फेज इसे सिंथेसिस क्यों बोला गया क्योंकि एस फेज को हमने मार्क किया हुआ हम है हम स्टडी करते हैं डीएनए सिंथेसिस से जोड़कर हमें पता है यह बात हमने पहले क्रोमोसोम पढ़ते टाइम भी डिस्कस की थी कि सेल जब भी डिवीजन करेगी तो अपने क्रोमेटिन फाइबर में जो डीएनए की अमाउंट है उसे वो डबल करती है तो एस फेज में डीएनए का रेप्लीकेशन होता है और हमें यह भी पता है कि यू सेल में जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से पैक है अगर डीएनए रेप्लीकेट हो रहा है तो साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी रेप्लीकेट होगी मीन्स जब आप एस फेज में आएंगे तो एस फेज में क्रोमोसोम नंबर टू एन है लेकिन जो डीएनए की अमाउंट है टू सी वो इंक्रीज कर दी जाएगी और एस फेज से जैसे ही आप नेक्स्ट फेज G2 में पहुंचेंगे तो आप सेल की स्टडी करें तो आपको क्रोमोसोम नंबर तो बताने है टू एन क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं लेकिन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो डीएनए डबल हो जाएगा जीवन में जो डीएनए की अमाउंट टू सी थी अब वो जी टू आने के बाद मतलब आफ्टर एस फोर सी हो जाएगी डीएनए की अमाउंट डबल हो गई है और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो जीवन से चल रही थी एस से होती हुई जी टू तक आ रहे हैं ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है फेजेस में सिर्फ हमने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए डिवाइड किया है तो यहां तक आते-आते फाइनल प्रिपरेशंस हो जाती हैं सेल डिवीजन की G2 तक आते-आते अब फाइनल प्रिपरेशंस में क्या है G2 फेज कंप्लीट हो रही है मतलब इंटरफेज कंप्लीट हो रही है मतलब कि प्रिपरेशंस कंप्लीट हो रहे हैं सेल डिवीजन के लिए तो इसके बाद सेल डिवीजन फेज में जाएगी डिवीजन फेज को हम M फेज के नाम से जानते हैं M फेज में जब सेल डिवाइड करेगी तो डिवीजन के टाइम पे उसमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन एक प्रोटीन करती है जिसे हम नाम देते हैं ट्यूबलिन तो में हमें हमें स्पिंडल स्पिंडल फाइबर्स बनाने है। बनाने हैं फाइबर के लिए ट्यूबलिन प्रोटीन चाहिए तो बताइए कि जी टू फेज में फाइनल प्रिपरेशन के टाइम पे ट्यूबलीन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और एक सेल डिवाइड करती है एम फेज में और डिवीजन होने के बाद एक सेल से दो सेल बन जाती है देखिए जब एम फेज कंप्लीट होगी और एक सेल से दो सेल बन जाएंगी यहां मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल्स से बन गई हैं। इनमें से कोई एक सेल ये है जो ये कह रही है कि मैं आगे डिवाइड करूंगी कंटिन्यू मतलब मुझे फिर से इसी साइकिल को फॉलो करना है जी वन से एस से जी टू से फिर एम में जाना है डिवीजन करना है फिर से अपने नंबर इंक्रीज करना है लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और द ऑर्गेनिज्म अगर कोई सेल डिवीजन नहीं करती है और वो मेच्योर हो रही है और अपने उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे अपने डिवीजन को रोक रही है तो जी वन फेज में ही वो सेल एक रेस्टिंग फेज में चली जाती है जिसे आप जी नॉट फेज कहते हैं यहां सेल का डिवीजन उस टाइम के लिए रुक जाता है तो जी नॉट में जो सेल्स चली गई हैं वो परमानेंट टिश्यू का पार्ट हो जाती हैं और जो सेल जीवन से आगे एस में एंटर करती हैं वो फिर से डिवीजन करती हैं मतलब अगर एक बार सेल एस फेज में आ गई तो आगे डिवीजन के लिए जाएगी जाएगी दूसरी बात इस पूरे फ्लो को जी वन एस जी टू एम फेज कंप्लीट किया हमने डिवीजन करवाया इसे हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं देखिए है बच्चों सेल साइकिल को अलग अलग जगह पर कंट्रोल किया जाता है चेक किया जाता है कि सेल साइकिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो प्रिपेयर हो रही है डिवीजन के लिए या बहुत अच्छे से डिवीजन कर पा रही है उसके लिए हम सेल साइकिल में तीन चेक पॉइंट पढ़ते हैं पहला चेक पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीवन से एस में एंट्री करते टाइम जीवन एस चेक पॉइंट जीवन एस ट्रांजिशन इसमें क्या होगा कि जब आप जीवन से एस फेज में जाएंगे तो उस टाइम पे ये चेक किया जाएगा कि सेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब चेक किया क्या जाएगा चेक किया जाएगा कि सेल के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे जीवन में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए वो सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे दूसरा उसमें न्यूट्रिएंट्स देखे जाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स जितने रिक्वायर्ड हैं डिवीजन के अकॉर्डिंग या सेल को वो सब प्रॉपर है या नहीं है तीसरा सेल का साइज देखा जाएगा कि ग्रोथ होने के बाद जो एग्जैक्ट हमें साइज चाहिए था डिवीजन के लिए क्या वो सेल ने गेन कर लिया है या करने जा रही है और इसके अलावा हम देखेंगे कि अब जीवन के बाद हम एस फेज में जा रहे हैं तो हमें डीएनए का रेप्लीकेशन करवाना है कहीं डीएनए कुछ डैमेज तो नहीं है या प्रॉपर अच्छे तरीके से डीएनए है सेल के अंदर ताकि एस फेज बड़े अच्छे से चल पाए अगर ये सारी चीजें सही मिलती हैं जीवन एस चेक पॉइंट में तो उसके बाद यह सेल एंटर करेगी एस फेज में और एस फेज कंप्लीट करने के बाद फेज आती है जी टू फेज अब जी टू फेज में हम कह रहे हैं कि इंटरफेज का कंप्लीशन हो रहा है और सेल अपने डिवीजन के लिए एम फेज में जा रही है जब सेल एम फेज में जाएगी तो यहां पर जो चेक चेक पॉइंट होगा उसे हम नाम देंगे दूसरा चेक पॉइंट है वो जी टू एम चेक पॉइंट जी टू एम ट्रांजिशन मतलब आप जी टू से एम में जा रहे हैं यहां पर भी सेल को चेक किया जाएगा कि इंटरफेज अच्छे से हुई है प्रिपरेशन से अच्छे से हुई है या नहीं हुई बात आ रही है कि अब चेक क्या करेंगे चेक करेंगे हम कि सेल का साइज प्रॉपर हो गया है इंक्रीज ग्रोथ होने की वजह से क्योंकि इंटरफेस कंप्लीट हो रही है क्या डीएनए रेप्लीकेशन होते टाइम एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए रेप्लीकेट होते टाइम डैमेज तो नहीं हो गया क्योंकि डीएनए रेप्लीकेट होने से पहले चेक किया गया था प्रॉपर था क्या रेप्लीकेट करने के बाद भी वैसा ही है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डीएनए में और उसके अलावा देखा जाएगा कि डीएनए का रेप्लीकेशन बहुत अच्छे से हुआ है क्या पूरा डीएनए जितना रेप्लीकेट करना था वो हो चुका है या कोई पार्ट रिमेनिंग है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सेल डिवीजन के लिए जाएगी और अगर अब नॉर्मल है तो डिवीजन को रोक दिया जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम जब आप एम फेज में चलेंगे तो प्रोफेज मेटाफेज एना फेज टीलो फेज जिसमें हम को करते हैं। जब आप एम फेज में जाएंगे तो आप मेटाफेज से एना फेज में जाते एक और पढ़ने वाले हैं जिससे आप मेटाफेज एनाफे चेक पॉइंट कहते हैं इसे एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है जिसमें हमें यह देखना है कि जो एनाफेज के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स है सेंट्रोमियर के अलावा वो अच्छे से प्रॉपर अलग हो चुके हैं या नहीं हो चुके क्या उनका जो मूवमेंट है कंडेन्शन के बाद वो अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सब कुछ डिसइंटीग्रेशन हो चुका है क्योंकि डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिजोल्व होती है कुछ सेल ऑर्गनल भी डिजोल्व होते हैं क्या वो अच्छे से प्रॉपर डिजोल्व हो चुके हैं क्या क्रोमोसोम का कंडेंसेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया है क्योंकि अगर कंडेंसेशन अच्छे से हुआ होगा तभी तो आप प्रॉपर तरीके से दोनों डीएनएज को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे मीन्स सेल साइकिल में हमें तीन चेक पॉइंट याद करने हैं पहला जीवन एस चेक पॉइंट दूसरा जी टू एम चेक पॉइंट और तीसरा एम फेज के अंदर मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट जिसे आप एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और चेक पॉइंट पर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना भी है इसके बाद जैसे ही आप इंटरफेज में आपने जीवन के अंदर जो आपके पास जो क्रोमोसोम के नंबर और डीएनए की अमाउंट थी एस फेज में क्रोमोसोम के नंबर प्रॉपर वैसे ही है जैसे थे टू एन है सेल डिप्लॉइड है तो टू एन ही है लेकिन डीएनए के अमाउंट हमने डबल करके फोर सी कर दी थी और अब हम एंटर कर चुके हैं एम फेज में एम फेज में सबसे पहली फेज जो है डिवीजन की वह प्रोफेस प्रोफेज की स्टडी को इजी करने के लिए हमने उसको भी दो फेजेज में डिवाइड कर दिया सब फेजेस में फर्स्ट अर्ली प्रोफेस सेकंड लेट तो अभी जो हम देख रहे हैं वो अर्ली प्रोफेस देख रहे हैं तो अर्ली प्रोफेस में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम के नंबर टू एन ही मिलेंगे लेकिन डीएनए की अमाउंट हमें डबल मिलेगी फॉरसी क्योंकि यह फेज आई है एस के बाद और एस में डीएनए की अमाउंट

अगर यह काम स्टार्ट हुआ है अभी तो आप इसे अर्ली प्रोफेस कहेंगे कि जैसे अभी इनिशिएशन हो रहा है कंडेंसेशन का मतलब जो लंबे और पतले धागे क्रोमेटीन फाइबर थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हुए हैं। इनिशिएशन तो बोलेंगे अर्ली प्रोफेस मतलब क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुआ है किससे क्रोमेटीन के कंडेंसेशन से और एस फेज में डीएनए के रेप्लीकेशन के साथ साथ सेंट्रियॉल का भी डुप्लीकेशन होता है सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है तो जो डुप्लीकेटेड एस फेज में होने वाले सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं मतलब ये दो जो सेंट्रियोल हमें दिख रहे हैं सेंट्रोसोम दिख रहे हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे जब ये अपोजिट पोल पर पहुंचेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स लेट प्रोफेज में आएंगे तो हम कहेंगे कि भाई स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और जो सेंट्रोसॉम्स हैं डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स हैं वो अपोजिट पॉल पर पहुंच गए हैं और उनके बीच में क्या बनना स्टार्ट हो गए हैं स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गए और क्रोमोसोम्स जो है वो अपने कंडेंसेशन के लास्ट स्टेज में है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी ऐसे जो सेल ऑग्नल्स और स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसअपियर होती हैं और यहां पर भी हमें यह बात याद रखनी है कि क्रोमोसोम नंबर अभी भी कितना है 2N है देखिए आप क्रोमोसोम चार दिख रहे हैं अभी भी चार ही हैं लेकिन डीएनए की अमाउंट फोर सी है क्योंकि हर एक क्रोमोसोम में डीएनए है क्योंकि जो प्रोफेज हम पढ़ रहे हैं वो इंटरफेज में एस फेज के बाद आ रही है चलिए प्रोफेज कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है मेटाफेज मेटाफेज आ गई है इस बात का हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई है गायब हो गई है डिजोल्व हो गई है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में फैल गए और साथ में प्रोफेज के अंत तक आते आते हमने कहा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पिंडल फाइबर्स भी बन चुके थे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हमने क्लियरली यह पढ़ा था कि क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर प्रेजेंट है यह जो सेंट्रोमियर है इसी की हेल्प से जिसमें काइनेटोकोर दो प्रोटीन डिस्क हमने साथ में पढ़ी उसकी हेल्प से ये क्रोमोसोम इन स्पिंडल फाइबर्स पर जुड़ते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स जो कि ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हुए हैं छोटे और बड़े होकर इन सभी क्रोमोसोम्स को सेल के इक्वेटर पर अरेंज कर देते हैं और सेल के इक्वेटर पर जब ये क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं तो एक जो लेन बनती है क्रोमोसोम्स की इसे हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट देखिए इस बात का आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि क्रोमोसोम अभी भी दो डीएनए वाला है क्योंकि दोनों डीएनए अभी भी अपने सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मतलब अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा जाए तो अभी भी मेटाफेज में टू एन है लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो नेक्स्ट फेज जो है वो है एनाफेज देखिए एनाफेज की स्टडी इजी करने के लिए हमने इसको फिर से दो फेजे में डिवाइड कर दिया अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज सबसे पहली बात हमने कहा सेंट्रोमियर की हेल्प से एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर जुड़ता है और वो स्पिंडल फाइबर उसे इक्वेटर पर ले आता है लेकिन हमें ये भी पता है कि सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर प्रजेंट है प्रोटीन डिस्क दो एक पोल से आने वाला क्रोमोसोम एक काइनेटोकोर के साथ और दूसरे पोल से आने वाला स्पिंडल फाइबर दूसरे के साथ काइनेटोकोर के साथ जुड़ता है तो हमने कहा था रियल साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर इज काइनेटोकोर और ये काइनेटोकोर हमें पता चलते हैं एनाफेज में आकर क्योंकि इससे पहले तो काइनेटोकोर दोनों आपस में सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए होते हैं फिर अर्ली एनाफेज में क्या होता है एक एंजाइम की हेल्प से सेंट्रोमियर के दोनों काइनेटोकोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर जो कि सेंट्रोमियर पर दो प्रोटीन डिस्क थी वो अब एक दूसरे से अलग हो चुकी है सेंट्रोमियर पर प्रोटीन डिस्क एक दूसरे से अलग हो गई है इसका मतलब क्रोमोसोम के दोनों डीएनए एक दूसरे से अलग हो गए हैं अभी तक क्रोमोसोम एक था डीएनए डीएनए दो थे सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए लेकिन अभी आप यहां देखें एक एक क्रोमोसोम में एक ही रह क्रोम क्योंकि इस क्रोमोसोम का यह डीएनए इधर और इस क्रोमोसोम का यह डीएनए इधर हो गया मीन स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होते ही क्रोमोसोम के नंबर भी डबल हो जाएंगे मीनस फोर एन हो गए अभी तक हम चार क्रोमोसोम पढ़ रहे थे अभी हम देखेंगे तो आठ क्रोमोजोम है। लेकिन चेंज क्या आया सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से एक क्रोमोसोम में डीएनए एक ही रह गया है तो टो टोटल डीएनए उतने ही है है जितने थे इसका मतलब डीएनए के अमाउंट भी अभी है। तो क्रोमोसोम के नंबर जाकर डबल होते हैं सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से एनाफेज में तो अर्ली एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है जो कि एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद आएगी लेट एनाफेज लेट एनाफेज में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जिनके हेल्प से हम क्रोमोसोम्स को अपोजिट पॉल की तरफ जाते हुए देखेंगे तो आप ये याद रखिए कि लेट एना फेज में जो स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हुए हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होते हैं और इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट पॉल्स की तरफ ले जाते हैं और यहीं पर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स की शेप की स्टडी की जाती है जब सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम होते हैं मेटासेंट्रिक वी शेप सब मेटासेंट्रिक हमने पढ़ा था जे और एल और एक्रोसेंट्रिक हमने पढ़ा था आई शेप और टीलोसेंट्रिक हमने पढ़ा था रोड शेप तो ये चार क्रोमोसोम की शेप भी हमने इसी लेट एना फेज में ही पढ़ी थी और लेट एना फेज में क्रोमोसोम्स अपोजिट पॉल पर पहुंचते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटिड पहुंचते हैं अपोजिट पॉल पर बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स साथ में आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि लेट एनाफेज के बाद टीलो फेज आएगी और सेल डिवीजन का एम फेज का कंप्लीशन हो रहा है तो आपको यहां सेल का साइटोकाइनेसिस भी करवाना है मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी करवाना है क्योंकि एक सेल से कितनी सेल बनानी है दो सेल तो जो एनिमल सेल्स हैं एनिमल सेल्स में लेट एनाफेज के टाइम पे ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है जैसे हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन से होता है मेमब्रेन अंदर की तरफ ग्रोथ करती है इनफॉल्डिंग बनाती है और वहां से फिर अलग हो जाती है दोनों सेल्स तो आप बताइए लेट एनाफेज में मेम्ब्रेन पर होना स्टार्ट स्टार्ट हो हो जाती है मींस साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा और टीलोफेज कंप्लीट होते होते ये साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट होगा अब टीलोफेज में आप जो कुछ आपने प्रोफेज में पढ़ा उसका बिल्कुल रिवर्स करिए प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर टू फॉर्म द क्रोमोसोम टीलोफेज सेल डिवीजन को कंप्लीट होता हुआ कंप्लीट होता हुआ रिप्रेजेंट कर रही है तो टीलो फेज में क्या होगा अब जो क्रोमोसोम बने हैं वो होना स्टार्ट होंगे मतलब पहले क्रोमेटिन फाइबर जो कि उलझे हुए थे प्रोफेज में सुलझ गए कंडेंसेशन की वजह से यहां वो क्रोमेटिन फाइबर फिर से बनेंगे और उलझ जाएंगे अभी तक क्रोमोसोम हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अगर मैं देखूं मेटाफेज में क्रोमोसोम अलग अलग दिख रहे हैं चारों अर्ली एनाफेज लेट एनाफेज मुझे क्रोमोसोम्स अलग अलग दिखेंगे और टीलोफेज में आते आते हम बताते हैं कि क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस होकर लंबे और पतले धागे क्रोमेटीन बनाना स्टार्ट करेगा मींस अब टीलोफेज खत्म होते होते मुझे क्रोमोसोम नहीं क्रोमेटीन फाइबर दिखना स्टार्ट होंगे मतलब फिर से क्रोमेटीन उलझेगा मतलब एक क्रोमोसोम अपनी इंडिविजिलिटी जो है उसे लॉस कर देगा उसे खो देगा और हमें वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में दिखेगा और प्रोफेज में हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस इन स्ट्रक्चर्स को भी सेल के डिसॉल्व किया था वो स्ट्रक्चर्स फिर से रिफॉर्म हो जाएंगी। और रिफॉर्म होते होते जैसे जैसे टीलोफेज कंप्लीट होगी यहां से फरो फॉर्मेशन होकर दो डोटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और इन डोटर सेल्स में अगर यहां देखा जाएगा तो क्रोमोसोम के नंबर टू और डीएनए की अमाउंट टू सी मिलेगी यहां पर भी क्रोमोसोम के नंबर टू और डीएनए की अमाउंट टू सी मिलेगी सेम एज द मदर सेल इसके बाद जब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की तो अभी हमने बोला कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज से स्टार्ट हुआ फरो फॉर्मेशन से होता है फरो का मतलब है कि जो मेमब्रेन है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर आकर वो आपस में जुड़ जाती हैं एक सेल अलग और दूसरी सेल अलग तो कितनी सेल बन गई दो सेल इसे हम फरो फॉर्मेशन मेथड कहते हैं एनिमल सेल्स के लिए अगर एनिमल सेल्स के लिए फरो फॉर्मेशन मेथड की बात की जाए तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि फरो का फॉर्मेशन पेरीफेरी टू सेंटर होता है पेरीफेरी टू सेंटर क्योंकि आप मेम्ब्रेन से सेल के सेंटर की तरफ चल रहे हैं जब आप से सेल के सेंटर की तरफ चल रहे हैं टू सेंटर चल रहे हैं तो इसे आप ऑर्डर कहेंगे लेकिन यहीं पर अगर साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल का हो तो आप यह बात याद रखिए कि प्लांट सेल में बाहर की तरफ एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है और इस सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है कौन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल्स में फरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस नहीं होता टीलोफेज में जैसे ही दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं सेल के साइटोप्लाजम में तो सेल के सेंटर में स्मॉल स्मोल वेसाइकल्स और अदर स्पिंडल फाइबर्स, टूटे हुए स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होकर एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस मेथड को हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स मीन साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होता है फॉर्मेशन से प्लांट सेल में होता है प्लेट फॉर्मेशन से और प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर टू पेरीफेरी होता है मतलब ये जो गोल्जियन अरेंज होना स्टार्ट होंगी इक्वेटर पर वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ अरेंज होना स्टार्ट होंगी एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन पेरीफेरी टू सेंटर तो ऑर्डर और।, और प्लांट सेल में गोल्जियन वैसाइकल्स का अरेंजमेंट या प्लेट फॉर्मेशन सेंटर टू पेरीफेरी तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सेंट्री फ्यूगल ऑर्डर ये हुआ माइटोसिस और माइटोसिस में बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल सेम एज मदर सेल है मदर सेल हमने ली थी 2n 2c तो बनने वाली डॉटर सेल्स भी 2n एंड 2c ही होंगी तो माइटोसेस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि बनने वाली डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की जो नंबर है बनने वाली जो सेल्स हैं, वो सेम एज मदर सेल होती है सेम एज मदर सेल होने की वजह से हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं चलिए दूसरा जो डिवीजन है वो है मियोसिस देखिए माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन में सेल्स जो डॉटर सेल्स बनी हैं वो मदर सेल के बिल्कुल इक्वल होती हैं हर चीज में लेकिन मियोसिस में सेल की प्लॉइडी बदल दी जाती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में रिड्यूस हो जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं अगर कोई सेल टू एन क्रोमोसोम नंबर के साथ है तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद जो डॉटर सेल बनती है उस डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं मीन्स टू एन से डॉटर सेल में एन हो जाएगा इसीलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर कम हो रहे हैं दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है मियोसिस के बारे में वो है क्रॉसिंग ओवर जिसे हम रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह वेरिएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है देखिए रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोजोम अपने डीएनए मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं था माइटोसिस में केवल डिवीजन पर ध्यान दिया गया लेकिन मियोसिस में वेरिएशंस पर भी क्रॉसिंग ओवर है। कहते हैं मियोसिस में सेल दो बार डिवाइड करती है पहले डिवीजन को हम मियोसिस फर्स्ट और दूसरे डिवीजन को मियोसिस सेकंड के नाम से जानते हैं मियोसिस फर्स्ट में ही क्रॉसिंग ओवर होता है देखिए हमने अभी पढ़ा एम फेज़ एम फेज की चार सबफेजेस बोली प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज समझिए इस बात को आप अब मियोसिस वन बोल रहे हैं तो इसमें एम फेज वन बोलेंगे तो उसमें हम चार सब पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट फेज में ही क्रॉसिंग ओवर होता है इसका मतलब मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होगा और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होगा और प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो एक इंपॉर्टेंट फेज हो जाती है हमारे लिए और उसे स्टडी को इजी करने के लिए प्रोफेज फर्स्ट की स्टडी को इजी करने के लिए क्योंकि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं ये बात कि सेल डिवीजन एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है तो उसमें प्रोफेज फर्स्ट की स्टडी को इजी करने के लिए हमने उसे अलग अलग पांच सब फेजेस में डिवाइड कर रखा है जिसमें हम पढ़ते हैं लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस उन फाइव सब फेज में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लेप्टोटीन की देखिए प्रोफेज फर्स्ट है उसकी पहली सब फेज लेप्टोटीन है तो इसका मतलब मैं लेप्टोटीन को एक अर्ली प्रोफेज की तरह ही ट्रीट करता हूं कि जो कुछ हमने अर्ली प्रोफेज में पढ़ा वही सब लेप्टोटीन में हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो रही है इनिशिएशन क्योंकि अर्ली प्रोफेज बोल रहा हूं मैं लेप्टोटीन को क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है सेल ऑर्गनल डिजोल्व होना स्टार्ट हुए हैं और सेंट्रियॉल जो कि डुप्लीकेट हो चुके हैं एस फेज में वो अपोजिट पॉल की तरफ चलना स्टार्ट हुए हैं मतलब जो कुछ भी अर्ली प्रोफेज में होता है वो सब लेप्टोटीन में हो रहा है लेप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट फेज हम पढ़ते हैं वो है जाइगोटीन देखिए जाइगोटीन फेज में हमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है होमोलोगस क्रोमोजोम जो मॉर्फोलॉजी में दिखने में साइज में एक जैसे होते हैं उन क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के पास पास आना पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाता है और होमोलोगस क्रोमोजोम के इस एक पेयर को हम नाम देते हैं सिनेप्स और इस होमोलोगस क्रोमोजोम की जो पेयरिंग हुई है इस पेयरिंग में हेल्प करने वाले कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स मीन्स एक होमोलॉक्स क्रोमोसोम ये दूसरा ये ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे पेयरिंग करेंगे तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनेगा यही कॉम्प्लेक्स उनकी पेयरिंग में हेल्प करने वाला है।, कितने है? दो है।, किसकी सब फेज है प्रोफेज की प्रोफेज वन की प्रोफेज वन किसके बाद आई है एस के बाद आई है तो एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने होंगे दो डीएनए होंगे उसे हम क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं इसका मतलब एक क्रोमोसोम इसमें डीएनए दो एक दूसरा क्रोमोसोम इसमें भी डीएनए दो बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यह पूरा बनेगा एक पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स या पेयर में क्रोमोसोम दो हैं लेकिन क्रोमेटेड चार क्योंकि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटेड है इसलिए आप इसे टेट्राड भी कह सकते हैं लेकिन वो टेट्राड अभी क्लियरली विजिबल नहीं है जैसे ही आप नेक्स्ट फेज में आते हैं नेक्स्ट फेज है पेकाइटिन फेज पेकाइटिन फेज में आप देखेंगे कि जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम हैं ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम थे इन होमोलोगस क्रोमोजोम में जो दो क्रोमेटेड हैं देखिए एक क्रोमेटेड दूसरा क्रोमेटेड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो किन्हीं दो क्रोमेटेड्स के बीच में ही होगा जिन दो क्रोमेटेड के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा वही क्रोमेटेड आपस में एक दूसरे पर उलझ जाएंगे जैसे वो उलझेंगे तो उलझने की वजह से जो नोड्यूल्स बनती है कौन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे उलझ जाएंगे जहां ये उलझेंगे वहां बनेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि मियोसिस वन में प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर होती है और यह क्रॉसिंग ओवर इसी पेकाइटिन फेज में होगी एक एंजाइम की हेल्प से जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम डीएनए को काटना और डीएनए को जोड़ना दोनों एबिलिटीज रखता है तो वो एक क्रोमेटेड से डीएनए को काटेगा दूसरे डीएनए पर जोड़ेगा इधर से भी डीएनए काटेगा इधर जोड़ेगा तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम um की वजह से रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर पूछा जाए कि मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होती है यस मियोसिस वन में कहा प्रोफेज वन में प्रोफेज वन में कहा पेकाइटिन में पेकाइटिन में कहा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल पर फिर आप याद रखिए कि रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल पेकाइटिन में बनती है और यहां पर सारे के सारे क्रोमेटेड हमें अलग अलग दिखने लग जाते हैं वो क्रोमेटेड अलग दिखेंगे जिनमें रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनी है और वो क्रोमेटेड भी अलग दिखेंगे जिनमें रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स नहीं बनी है तो मुझे यहां टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है कि यहां एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स के साथ साथ चार क्रोमोजोमेटेड प्रेजेंट हैं दो वो जिनमें रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल नहीं बनी और दो वो जिनमें रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनी है इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल पेकाइटिन में बनती है रिकॉम्बिनेशन पेकाइटिन में होता है क्रॉसिंग ओवर यहीं पर होगा इसके बाद जो फेज आती है उस फेज का नाम है डिप्लोटीन फेज डिप्लोटीन फेज के लिए हमें याद करना है कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स में जो पेयरिंग हुई थी वो पेयरिंग हुई थी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हमने कहा कि दो होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास आते हैं उनकी आपस में पेयरिंग हो जाती है वो पेयरिंग हुई थी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से पेयरिंग करवाई क्यों गई ताकि रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन सके रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्यों बनाई गई ताकि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर अच्छे से हो सके क्रॉसिंग ओवर हो गया है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बन चुकी हैं क्रॉसिंग ओवर हो गया उन पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर अब उनका कोई भी काम नहीं है तो अब डिप्लोटीन फेज में उस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिजॉल्व कर दिया जाएगा मतलब जो पेयरिंग है उसे अब हम खोलेंगे क्रोमोसोम्स को दूर करेंगे और डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व होता है लेकिन आप एक बात समझिए जब दो होमोलोगस क्रोमेटिड्स के क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बहुत सारी बन सकती हैं लेकिन जितनी रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनी है उन सब पर ही क्रॉसिंग ओवर होगा ऐसा जरूरी नहीं है आप ये बात याद रखेंगे कि जितनी रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनी है सब पर क्रॉसिंग ओवर हो यह जरूरी नहीं है क्रॉसिंग ओवर केवल हम उन पर ही पढ़ने वाले हैं जहां जहां रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करेगा और जहां जहां रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो जाती है वहां ये दोनों क्रोमेटेट्स जिनमें की क्रॉसिंग ओवर हुई है वो एक दूसरे के साथ

होमोलोगस क्रोमोजोम के पेयर में जितने क्या बनेंगे उतने ही साइड्स पर रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने काम किया होगा नेक्स्ट जो फेज आएगी वो है डायकाइनेसिस देखिए डायकाइनेसिस को हम ट्रीट करेंगे लेट एनाफेज लेट प्रोफेज की तरह क्योंकि हम प्रोफेज वन पढ़ रहे हैं तो प्रोफेज वन में सबसे पहले हमने लेप्टोटीन को बोला था अर्ली प्रोफेज तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं डायकाइनेसिस तो ये एंड ऑफ द प्रोफेज वन है तो इसे हम लेट प्रोफेज के नाम से जानेंगे

अब ये ओपन होगा ओपन होगा लाइक एज द जिपर मतलब यहां से ये ट्रेल करेंगे खिसकेंगे दोनों क्रोमेटिक्स एक दूसरे के ऊपर और ये अटैचमेंट धीरे धीरे सेंट्रोमियर टू टिप की तरफ, की तरफ तरफ चलेगी और यहां से ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से, से सेपरेट हो जाएंगे इस मूवमेंट ऑफ क्याजमेटा को ही हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं और टर्मिनलाइजेशन से क्या होगा क्या मूव करेगा सेंट्रोमियर टू टीलोमियर और ओपनिंग हो जाएगी किसकी पेयर की जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हुआ था ये प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं है, 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 है। इससे हम यह जानते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई क्रॉसिंग ओवर हमने करवा लिया इसके बाद आती है मेटाफेज मेटाफेज में क्रोमोसोम फिर अरेंज होते हैं पेयर में और फिर आती है एनाफेज वन प्रोफेज वन पांच सौ फेजेस फिर मेटाफेज वन जो पेयर बना था क्रोमोसोम का किनारों पर अभी जुड़ा हुआ है वैसा का वैसा ही मेटाफेज वन में अरेंज हो जाएगा और एनाफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एनाफेज में सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं होती है और आधे क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में और आधे क्रोमोसोम दूसरी डॉटर सेल में चले जाते हैं मीन्स मियोसिस वन में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं देखिए इसको हम एक कंपेयरिंग चार्ट से समझते हैं अभी हमने पहले माइटोसिस कंप्लीट किया तो माइटोसिस के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी हमारे पास मदर सेल है टू एन इज इक्वल टू फोर यह क्रोमोसोम के नंबर है अगर मैं इसके डीएनए के अमाउंट की बात करता हूं तो डीएनए के अमाउंट इसमें टू सी है तो टू एन नंबर क्रोमोसोम है चार और साथ में डीएनए के अमाउंट टू सी है अब यह सेल पहले डिविजन के लिए अपने आपको प्रिपेयर करेगी इंटरफेज में जाएगी फिर प्रोफेज में आएगी प्रोफेज में, में क्रोमोसोम के नंबर चार ही रहेंगे टू एन लेकिन डीएनए के अमाउंट तो डबल होगी क्योंकि प्रोफेज आया किसके बाद एस फेज के बाद मेटाफेज में भी वही है क्योंकि मेटाफेज में अभी क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स अपने सेंट्रोमियर से एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं तो वहां क्रोमोसोम के नंबर अभी भी 2n है और डीएनए के अमाउंट 4c है लेकिन जैसे ही हम एनाफेज में टीलोफेज में पढ़ेंगे किसके लिए माइटोसिस के लिए तो एनाफेज में हम बताते हैं क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं मीन्स कितने फोर एन हो जाते हैं और डीएनए के अमाउंट तो ऑलरेडी फोर सी है तो बनने वाली डोटर सेल्स जो होंगी इसमें एक में टू एन टू सी होगा और दूसरे में भी टू एन और टू सी होगा इसका मतलब मदर सेल कैसी थी टू एन टू सी और बनने वाली दोनों डोटर सेल्स भी कैसी हैं टू एन टू सी तो बनने वाली डोटर सेल मदर सेल के बिल्कुल सेम है इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं सेकेंड डिवीजन जो हम पढ़ रहे हैं वो मियोसिस है

इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं वो पेयर में अरेंज होते हैं एक पेयर ये होमोलोगस का दूसरा पेयर ये है यहां सारे क्रोमोसोम अलग अलग अरेंज हुए थे एक लेन में जितने क्रोमोसोम एक लेन में अरेंज हो गए थे जिसको हमने मेटाफेज प्लेट बोला लेकिन मियोसिस में मेटाफेज वन के टाइम पे क्रोमोसोम्स पेयर में अरेंज होते हैं पेयर में इसका मतलब जितने क्रोमोसोम है उनकी दो लेन बनेंगी अब जब एनाफेज एनाफेजन आती है तो एनाफेज वन में सेंट्रियोल सेंट्रोमियर पर काइनेटो कोर्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते वो अलग नहीं होते फिर क्रोमोसोम के पेयर में से क्रोमोसोम अलग होते हैं एक पेयर का क्रोमोसोम एक पोल पर दूसरे पेयर का क्रोमोसोम दूसरे पोल पर इसका मतलब क्रोमोसोम में अभी भी डीएनए डी दो ही हैं और दोनों डीएनए डी अपने सेंट्रोमियर की हेल्प से अभी भी जुड़े हुए ही हैं इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम में डीएनए तो दो हैं लेकिन बनने वाली डॉटर सेल्स में मियोसिस वन में एनाफेज वन और टीलोफेज वन के बाद क्रोमोसोम के नंबर कम हो गए हैं यहां टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चार थे दो पेयर थे दो पेयर में से एक पेयर इधर एक पेयर इधर चला गया क्रोमोसोम्स का इसका मतलब क्रोमोसोम चार में से दो यहां दो यहां लेकिन हर एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने दो इसका मतलब डीएनए की अमाउंट तो हाफ नहीं हुई है लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं। देखिए यहां क्रोमोसोम नंबर कितने हैं चार टू एन इज इक्वल टू फोर लेकिन टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद यहां क्रोमोसोम नंबर एन इज इक्वल टू टू मतलब हाफ इधर भी एन इज इक्वल टू टू मतलब हाफ यहां डीएनए की अमाउंट टू सी एस फेज में जाने के बाद डबल फोर सी और जब बनने वाली डॉटर सेल्स हैं तो इनमें भी डीएनए की अमाउंट फोर सी से क्या हो जाएगी टू सी टू सी इसका मतलब यह हुआ कि मियोसिस वन में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हुए हैं डीएनए की अमाउंट हाफ नहीं हुई है और इसी डीएनए की अमाउंट को हाफ करने के लिए इस सेल को जो कि मियोसिस वन में दो सेल बनी है इनको मियोसिस सेकंड में जाना पड़ेगा ध्यान दीजिए मियोसिस वन में जब एक मदर सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिनमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हुए हैं लेकिन डीएनए के अमाउंट हाफ नहीं हुई है इस प्रोसेस में हम प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टीलोफेज वन पढ़ते हैं माइटोसिस के टाइम पे हमने कहा एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है लेकिन आप याद रखिए एनाफेज वन में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता मीन्स काइनेटो एक दूसरे से अलग नहीं होते और डीएनए के अमाउंट हाफ नहीं हो पाती क्योंकि एक क्रोमोसोम में डीएनए दो ही रहेंगे अब मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद ये जो दो डोटर सेल बनी है इन्हें हम डायड ऑफ द सेल कहते हैं डायड ऑफ द सेल कहेंगे तो ये बात याद रखेंगे यहां पर हम कि दो सेल्स को डायड बोला है इनमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हैं एज कंपेयर टू मदर सेल लेकिन डीएनए की अमाउंट हाफ नहीं है क्योंकि मदर सेल में भी डीएनए का अमाउंट टू सी है यहां भी टू सी है अब ये सेल डायड की सेल आगे डिवीजन में जाएंगी मियोसिस सेकंड में और याद रखिए मियोसिस सेकंड सेम एज माइटोसिस होता है बस फेजेस के नाम हमने बदल देने हैं हम मियोसिस सेकंड में बोलेंगे प्रोफेज सेकंड मेटाफेज सेकंड एनाफेज सेकंड टीलोफेज सेकंड बाकी सारे काम होंगे कैसे सेम एज माइटोसिस लेकिन एक छोटा सा बात आपको यहां ध्यान रखनी है मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड के बीच में एक फेज आती है सेल डिवीजन को प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि ये बात तो पहले क्लियर कर चुके हैं हम कि जब भी सेल डिवाइड करेगी तो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगी तो मियोसिस मियोसिस कंप्लीट होने के बाद सेकंड जब आता है तो बीच में एक छोटा सा गैप आता है जिसमें सेल अपने साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को करवाती है ताकि वो अगला डिवीजन से कर पाए उसे हम इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड के बीच का जो इंटरवेल है ना उसे इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं वहां पर जीवन और जी वाली एक्टिविटीज तो होती है लेकिन एस फेज की एक्टिविटीज नहीं होती और एस फेज में क्या हुआ था डीएनए डबल हुआ था तो बताइए मियोसिस मियोसिस और सेकंड के बीच का जो इंटरवल है उन इस इंटरवल को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यहां डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता एस फेज नहीं आती है क्यों क्योंकि हम मियोसिस सेकंड करवाई इसलिए रहे हैं कि जो डॉटर सेल्स में डायर्ट सेल्स में डीएनए की अमाउंट ज्यादा है उसे हम हाफ कर पाए क्रोमोसोम नंबर के साथ इसलिए डीएनए तो ऑलरेडी डबल है तो उसे डबल करने की हमें जरूरत नहीं है यही कारण है कि हम यहां इंटरकाइनेसिस में एस फेज नहीं आती दूसरी चीज जब आप मियोसिस सेकंड में जाएंगे तो मियोसिस सेकंड में हर एक डायर सेल जो कि एन टाइप की है जब वो डिवीजन के अंदर जाएगी तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड आएगी और एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा सेम एज माइटोसिस चलिए माइटोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड करती है एक बार डीएनए रेप्लीकेशन कितनी बार होता है एक बार सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग काइनेटोकोर का अलग होना कितनी बार होता है एक बार एनाफेज लेकिन मियोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड करती है दो बार डीएनए रेप्लीकेशन कितनी बार होगा एक बार क्योंकि एस फेज एक बार ही आती है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग मीन्स काइनेटोकोर का सेपरेट होना एक बार एनाफेज सेकंड में मियोसिस सेकंड में मियोसिस वन में एनाफेज के टाइम पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है इसका मतलब यहां इवेंट एक एक बार ही है बस डिवीजन दो बार है डीएनए रेप्लिकेशन एक बार है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होना वो भी एक ही बार है लेकिन डिवाइड सेल दो बार कर रही है आगे चलें तो माइटोसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें मदर सेल से जो सेल्स बनती हैं डॉटर सेल वो सेम एज मदर सेल होती हैं तो किस में हेल्प करेंगे रिप्लेसमेंट में नई सेल्स का फॉर्मेशन बॉडी में हो रहा है तो ग्रोथ के लिए होता है तो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है माइटोसिस बॉडी की रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा है कि जो सेल्स डैमेज हो गई हैं उनकी जगह पे नई सेल्स को लाया जा सके उसमें हेल्प कौन कर रहा है माइटोसिस मियोसिस किस में हेल्प करता है मियोसिस हेल्प करता है क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करने के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जिन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं डिप्लॉइड सेल्स टू एन टाइप की वही मियोसिस को शो करती है मेनली सेक्स सेल्स उससे बनते हैं गैमेट्स गैमेट्स बनेंगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जैसे ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू एन इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स मियोसिस होगा तो एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री वाले गैमेट्स बनेंगे और जब ये गैमेट्स आपस में एन इजिकल टू ट्वेंटी थ्री वाले गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो बनने वाला जाएगा टू एन इजिकल टू फोर्टी सिक्स होगा तो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन रहे उसमें हेल्प कर रहा है मियोसिस मेंटेन तभी रह पाते हैं जब बनने वाले गैमेंट में क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे मेल गैमेंट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से फीमेल गैमेंट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से दोनों फ्यूज होंगे तो बनने वाले जाइकोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम एज द इंडिविजुअल अगर मेल में फोर्टी है फीमेल में फोर्टी सिक्स है तो बनने वाले डॉटर सेल्स में भी फोर्टी सिक्स ही होंगे यह मेंटेन करेगा मियोसिस क्योंकि यह प्लॉयडी चेंज करता है हैप्लॉयड कर देता है दूसरा डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो नई आने वाली जनरेशन कभी भी अपने पेरेंट्स के हंड्रेड सेम नहीं होती और इनको हम नाम देते हैं वेरिएशन और ये वेरिएशन आती हैं डीएनए में चेंज की वजह से क्योंकि डीएनए अगर चेंज हो गया तो करेक्टर भी चेंज हो जाएंगे तो अगर देखा जाए मेल से मेल गैमेट बनते टाइम मियोसिस से और फीमेल से फीमेल गैमेट बनते टाइम मियोसिस से तो बनने वाली गैमेट सेल्स पेरेंटल सेल के मदर सेल के बिल्कुल सेम नहीं होती है क्योंकि मियोसिस में हो जाता है क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर में हो जाता है डीएनए का एक्सचेंज और डीएनए एक्सचेंज होने की वजह से डीएनए बदल गया कैरेक्टर बदल गए करेक्टर बदल गए तो बनने वाली जो नई जनरेशन आएगी उसमें करेक्टर बदलते हम कह देंगे वेरिएशन आ गई है कि इन इन करेक्टर्स में यह जनरेशन अपने पेरेंट से अलग है इसका मतलब वेरिएशन आती है और वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि मियोसिस इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है तो हमने अभी डिस्कस किया पूरा सेल साइकिल सेल डिवीजन जिसमें हमने कंट्रोल क्रोमोसोम के लिए नंबर माइटोसिस मियोसिस क्रॉसिंग ओवर सब बातें हमने क्लियर की हैं आप अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए बेस्ट ऑफ लक